नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम आए हैं जो है रिसकवा कोहड़ा के पेड़ के पास। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं रिसकवा कोहड़ा। तो नीचे आप देख सकते हैं यह जो है रिसकवा कोहड़ा है और पत्ती जो है इसका पूरी तरह से सूख गया है और यह पूरी तरह से पक एकदम तैयार है। और इसी का रेसिपी हम बनाकर आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी। तो चलिए हमें फरा हुआ है दिखाते हैं। तो इधर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो है काफ़ी रिसकवा कोहड़ा बोया गया है और यहाँ देख सकते हैं आप इसकी पत्ती जो हरी है, सूखी नहीं है। तो इसको भी हम पेड़ से तोड़ लेते हैं। तो एक जो है रिसकवा कोहड़ा हमने पेड़ से तोड़ लिया है, चलते हैं दूसरा तोड़ने। तो रिसकवा कोहड़ा के ऊपर जो है थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर सा लगा हुआ है, इसको हम पानी से धुल लेंगे तो एकदम जो है हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए रिसकवा कोहड़ा हमने पेड़ से धो लिया है, चल रहे हैं जहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। तो पेठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने खाने वाला चूना लिया हुआ है और ये सूखा चूना है और इसे हम पानी में भिगोएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे पेठा। चूने को हम अच्छे से गलने देते हैं पानी में। पेठा बनाने वाला कद्दू बिल्कुल पूरी तरह से पक कर तैयार है। इस पे जो है पाउडर सफ़ेद सफ़ेद लगा होता है, तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से यह पेठा बनाने लायक हो गया है और यह पूरी तरह पक के तैयार है। चलिए तब इसी का पेठा हम बनाएंगे, एक बिल्कुल कच्चा नहीं है। तो चलिए हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। तो चलिए काटते हैं चाकू से। ये थोड़ा टाइट होता है, काटने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो चलिए चाकू के सहारे हम काटते हैं। चलिए इसके अंदर देखते हैं और बीज इसका जो है पूरी तरह से पका हुआ है, बीज इसका बिल्कुल टाइट हो गया है। तो चलिए इस तरीके से एक बार हम फिर काट देते हैं। तो कई टुकड़ों में हमने काट लिया है, अब इसको हम बीज वाला हिस्सा हम बिल्कुल पूरी तरह से निकाल लेंगे। बीज वाला हिस्सा इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो इसी तरह हम सारा निकाल कर रख लेंगे। तो बीज को हमने निकाल दिया है, अब इसका हम छिलका उतारेंगे और छिलका इसका थोड़ा टाइट होता है तो हमें जो है बहुत ही संभाल कर उतारना है ताकि हाथ न कटे। हरे वाला भाग जो है बिल्कुल इसमें हमें नहीं छोड़ना है, छिलका इसका जो है अच्छे से उतारना है और इसी तरह हम सारा जो है छिलका उतार कर रख लेंगे। पेठे वाले कद्दू का हमने छिलका उतार लिया हुआ है और छिलके को हम एक तरफ रख देते हैं, तब इसे धोते हैं। चलिए इसे हम साफ पानी से धोते हैं। वाले कद्दू को हमने साफ पानी से दो बार धो लिया है, बहुत ही साफ सफाई से धोना है और जितना साफ सफाई से हम इसे धुलेंगे उतना साफ पेठा हमारा बनकर तैयार होगा। तो चलिए हम दोबारा धोकर दूसरे थाली में रख देते हैं। तो कद्दू पेठे को हमने अच्छे से धुल लिया है, अब चलिए इसे हम पोंछ कर तैयार करते हैं पेठा बनाने के लिए। तो पोंछने के लिए यहाँ पे हमने एक छोटी सी पिन लिया हुआ है, ये आसानी से मार्केट में आप सबको मिल जाएगा। और यह जो है हमने पीतल का लिया है और आप लोग जो है कोचने के लिए स्टील का जो है कांटेदार चम्मच भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इससे कोच कर दिखाते हैं आप लोगों को पेठा बनाने के लिए। इससे हमें अच्छे से चारों तरफ कोच लेना है और थोड़ा सावधानी से हमें कोचना है ताकि हाथ में लगे ना। तो चारों तरफ हमने इसमें इसको कोच लिया है और चारों तरफ आप लोग छेदा इसमें देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे से हमने इसमें होल किया हुआ है।
और इसके अंदर सीरा जो है बहुत ही अच्छे से घुसेगा और पेठा हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह हम सारे पीस को कोच कर तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह हम दबा दबा कर पानी इसका निचोड़ लेंगे। सारे पानी को हमने अच्छे से निचोड़ लिया है, तो इतना पानी निकला हुआ है, पानी को हम फेंक देते हैं। चूना जो हमने भिगोया था भगोने में वो बिल्कुल गल गया है और पानी बिल्कुल साफ हो गया है, तो आप सब देख सकते हैं भगोने में। अब चलिए पानी को हम भगोने में गिराते हैं। तो जो चूना वाला जो साफ पानी है वही हमको लेना है और उसी पानी में हम पेठा कद्दू को डालेंगे। पेठे कद्दू को हमने सारे चूने के पानी में डाल दिया है। चूना के पानी में डालने से जो है पेठा हमारा जो है काफ़ी साफ होगा और इसके जो है थोड़ा टाइटपन हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे हम 10 घंटे के लिए चूने के पानी में डालकर रखेंगे, तभी हमारा पेठा बहुत ही अच्छा बनेगा। 10 घंटे बीत गए हैं तो आइए देखते हैं। आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही टाइट और बहुत ही अच्छा जो है हमारा पेठा चूने में तैयार हुआ है और इसका पेठा बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा पानी इसका निचोड़ निचोड़ कर एक दूसरी बर्तन में रख लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पानी निचोड़ कर रख लेते हैं। तो इसे हम साफ पानी से धोते हैं अच्छे से। तो इसी तरह हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। चूना के पानी में रखने से टाइट हो गया है और बहुत ही अच्छे से कट रहा है। और इसी तरह हम सारा जो है कद्दू पेठा काट के तैयार कर लेंगे। तो सारे पेठे कद्दू को हमने काट के तैयार कर लिया है। सबसे पहले आग को हम जला लेते हैं पेठा बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों पेठा बनाना शुरू करते हैं। आज हम दो फ्लेवर में पेठा बनाकर बताऊंगी और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो आइए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 किलो पेठा कद्दू लिया हुआ है और यहाँ पर हमने 1.5 किलो चीनी लिया हुआ है और यहाँ हमने थोड़ा सा येलो कलर लिया हुआ है फूड और 9 छोटी इलायची है और यहाँ हमने केवड़ा इत्र लिया हुआ है। और इधर आग हमारा पकड़ लिया है, कढ़ाई को हम चूल्हे पे रखेंगे। तो उबालने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 मग पानी। पानी को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालते हैं पेठे कद्दू को पानी में डालकर 5 मिनट तक उबाल लेते हैं। पेठे कद्दू को हमने इसलिए उबाला है जो है हमने चूने पानी में भिगोए थे 10 घंटा, तो पूरी तरह से अच्छे से साफ हो जाए, पेठा हमारा बहुत ही अच्छा बने। तो चलिए इसे हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख देते हैं उबलने के लिए। 5 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटाकर हम देखते हैं।
पेठा कद्दू हमारा हो गया है, अब इसे हम एक साफ बर्तन में निकाल लेते हैं। तो कढ़ाई में हम डालते हैं 200 ग्राम पानी चाशनी बनाने के लिए। कढ़ाई में हमने 200 ग्राम पानी डाला हुआ है। अब चीनी हम आधा डालेंगे क्योंकि हमें दो फ्लेवर में पेठा बनाना है, तो आधे चीनी को हम डालेंगे कढ़ाई में। अब आधा बचा कर रखेंगे। चीनी को हम अच्छे से पिघला लेते हैं। चीनी हमारी गल गई है और चाशनी में जो है उबाल आ गया है। चीनी के कचड़े को साफ कर देंगे ताकि हमारा जो है पेठा साफ हो बिल्कुल। चाशनी पूरी तरह हमारा बनकर तैयार है और इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर। इलायची फ्लेवर में पेठा हम बनाएंगे, तो चलिए इलायची पाउडर को हम चाशनी में डालते हैं। अब इलायची को हम चाशनी में अच्छे से मिला लेते हैं और आधा पेठा जो है इसमें हम डालेंगे और आधा हम दूसरे फ्लेवर के लिए रखेंगे। पेठा हमारा अच्छे से उबल रहा है और इसे हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है ताकि हमारा पेठा अच्छे से हो जाए और चाशनी इसमें पूरी तरह से अंदर घुस जाए और खाने में दोस्तों स्वादिष्ट हो। पेठे को हमने अच्छे से 7 मिनट तक पकाया है और इसमें जो है चाशनी बहुत ही अच्छे से घुस गई है, आप सब देख सकते हैं। और चलिए इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हम इसका भी चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 750 ग्राम चीनी डाला हुआ है और 1 किलो हमारा पेठा है। और चलिए चीनी को हम गला कर दूसरे वाला फ्लेवर वाला चाशनी तैयार करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम येलो कलर डालेंगे ताकि हमारा जो है पेठा देखने में सुंदर लगे। तो चलिए हम फूड कलर को डाल देते हैं चाशनी में। अब कलर को अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो चीनी को हमने अच्छे से गला लिया है, अब इसमें उबाल आने वाला है। अब इसका भी कचड़ा हम निकाल कर बाहर करेंगे। कचड़ा बिल्कुल चीनी का ऊपर आ गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। चाशनी में हमारे अच्छे से उबाल आ गया है, इसे हम डालते हैं पेठे को। चलिए पेठे को हम अच्छे से मिलाते हैं चाशनी में। अब इसे भी हम 7 मिनट के लिए पकाते हैं चाशनी में। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेठे में हमारे चाशनी बहुत ही अच्छे से घुसी हुई है और खाने में दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो चलिए इसे हम एक बर्तन में फैलाते हैं, इसे 1 घंटे तक धूप में रखेंगे ताकि यह सीरा जो है इसमें अच्छी तरीके से सूख जाए। सारे पेठे को हमने एक छोटी परात में फैला दिया है। अब आप इसे जो है धूप में और हवा पंखे की हवा भी सुखा सकते हैं। तो इसे हम 1 घंटे तक कड़ी धूप में सुखाएंगे ताकि यह सूखा हो जाए और महीने तक हम रख के इसे खा सकें। अब ये भी पेठा हमारा बहुत ही अच्छे से हो रहा है और बहुत ही जल्द बनकर ये भी तैयार होगा और कलर इसका बहुत ही अच्छा आया है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दूसरे फ्लेवर वाला पेठा हम बनाते हैं, तो इसमें हम डालते हैं केवड़ा इत्र। इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, मात्र जो है 3 बूंद डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिलाते हैं। केवड़ा फ्लेवर वाला पेठा हमारा बनकर तैयार है और इसे भी हम एक थाली में 1 घंटे तक सूखने के लिए रखेंगे। और बड़ा अच्छा हमारा जो है पेठा बना हुआ है।
और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। चाशनी पूरी तरह से इसमें घुस गई है दोस्तों, खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो आप लोग इस तरीके से एक बार पेठा बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चलिए इसे हम एक एक करके धूप में फैलाते हैं एक घंटे के लिए। तो इसे भी हमने एक परात में फैला दिया है, अब इसे हम एक घंटे के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। तो आइए दोस्तों हम दिखाते हैं पेठे में कितनी अच्छे से चाशनी घुसी हुई है। आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पेठा हमारा बना हुआ है और खुशबू बहुत ही अच्छी है हमारे पेठे से। एक घंटे बीत गए हैं, आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पेठा हमारा बना हुआ है। ये भी बहुत ही अच्छा पेठा हमारा बनकर तैयार है। इन दोनों को आप एक महीने रखकर खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसका छोटा पीस बनाया है। आगरे का फेमस पेठा बनकर हमारा तैयार है, इलायची फ्लेवर, केवड़ा फ्लेवर। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।